भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा प्रैक्टिस मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। ये मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने जा रहा है। डे नाइट टेस्ट मैच की तैयारी की वजह से पिंक बॉल से खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हिस्सा नहीं ले रहे। ऐसे में एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच से पहले सही ओपनिंग कॉम्बिनेशन चुनने पर होगी। इसके अलावा क्या हनुमा विहारी को एक स्पेशल बैट्समैन के लिए तौर पर खिलाया जा सकता है, इस पर टीम मैनेजमेंट की निगाहें रहेंगी। चेतेश्वर पुजारा फिलहाल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ऐसे में शुभमन गिल और पृथ्वी शाह के पास खुद को साबित करने का मौका है, लेकिन खबर लिखे जाने तक मयंक अग्रवाल आउट हो गए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।